तो हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कक्षा एटॉम में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम रीट के एक एक टॉपिक के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं, जिससे आपके मन में जो भी डर बना हुआ है, जो भी आपके कंफ्यूजन हो रहे हैं फ्रेंड्स, जो भी डाउट है, वो सारे कहीं ना कहीं क्लियर हो पाए। तो पहले हम बात करेंगे फ्रेंड्स की जो रीट की वैकेंसी है उसमें सीबीआई जांच की मांग क्यों की जा रही है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, आपको पता है कि रीट में पेपर आउट हुआ है, ये एसओजी ने भी साबित कर दिया है कि पेपर आउट हुआ है। तो अभी जो विपक्ष के नेता है और इसके अलावा जो ऐसे व्यक्ति है, ऐसे अभ्यर्थी है जिनका स्कोर कम रहा है, किसी न किसी वजह से उन्होंने पेपर में अपना एक अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है तो उनका स्कोर कम रह गया है, तो वो लोग चाहते हैं कि पेपर में सीबीआई जांच हो। उनको लग रहा है कि पेपर में जो धांधली हुई है ये बहुत बड़े स्तर पर हुई है और एसओजी जो टीम है ये कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में काम कर रही है, ऐसा विपक्ष का मानना है। लेकिन फ्रेंड्स, जो विपक्ष है ये कोई स्टूडेंट नहीं है, विद्यार्थी ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता कि पेपर दोबारा से हो। विद्यार्थी की अगर ढंग से सुने तो विद्यार्थी को इन सारी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ये सारा जो सिस्टम चला आ रहा है फ्रेंड्स, ये कहीं ना कहीं एक राजनीति सियासत का खेल है, क्योंकि इसमें विद्यार्थी के हक में तो बात की ही नहीं जाती फ्रेंड्स। क्योंकि आप ऐसे देखिए कि अगर अभी कांग्रेस की सरकार है तो विपक्ष के रूप में जो बीजेपी के लोग हैं वो इसका विरोध करेंगे, अगर कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार होती तो कांग्रेस के लोग इसका विरोध करते हैं। इसमें विद्यार्थियों का कोई रोल नहीं है फ्रेंड्स, विद्यार्थी हर तरफ से मारा जाता है। अभी जिसने जो 32,000 का सिलेक्शन होने वाला है वो बहुत सारी उम्मीद लेकर के बैठे हैं, उन्होंने 2-3 साल तक बहुत अच्छी मेहनत करके इस स्कोर को हासिल किया है। उनकी मेहनत ये राजनेता नहीं समझ सकते फ्रेंड्स कि उन्होंने किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें सेक्रीफाइस करके ये सारी चीज़ें इतना अच्छा स्कोर लेकर के आए हैं। उनको उम्मीद है कि कहीं कहीं उनको सिलेक्शन मिलेगा और उनके घर में एक नौकरी आएगी फ्रेंड्स। लेकिन नेता लोगों को इससे बिल्कुल भी लेना देना नहीं है, क्योंकि उनका एक ही मकसद है कि उनको वोट चाहिए, सिर्फ वो वोटों की राजनीति करते हैं फ्रेंड्स। और उन सबको, आप सब जो स्टूडेंट हैं उन सबको जरिया बनाया जाता है। आपको पता है कि बहुत मुश्किल से तो रीट का एग्जाम हुआ था, फिर से अगर इसको रद्द कर देंगे तो रीट का एग्जाम दोबारा से जो अभी नई विज्ञप्ति है उसको कब कराएंगे, इसको कब कराएंगे, अगर दोनों को साथ में करा देते हैं तो एक चीज और सामने निकल करके आ रही है कि मई में लोगों को ऐसा कहना है, मतलब कुछ भी कह देते हैं कि मई में 50,000 पर दोबारा से नए दोबारा एग्जाम कराया जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। अभी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की विज्ञापन भी सामने आपको देखने वाला है, अशोक गहलोत जल्दी ही इसको जारी करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स भर्तियां 90,000 भर्तियां अभी और करवानी है। अगर इसे रद्द करते गए तो कोई सी भी भर्ती सफल नहीं होगी और जो ये चीजें हैं ये ऐसी ही चलती रहेगी, स्टूडेंट जो है वो हताश होकर पढ़ाई छोड़ देंगे, इससे हमारी शिक्षा पर बहुत ही गलत इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि फ्रेंड्स 2-3 साल मायने रखते हैं और अगर आप इसको फिर से रद्द करवा देते हो तो 5 साल हो जाते हैं, 5 साल तक अभ्यर्थी एक ही जॉब के पीछे पड़ा रहेगा, तो उसके मानसिक दबाव कितना बढ़ जाएगा, उसके दिमाग पे क्या असर पड़ेगा, आप ये सोच भी नहीं सकते। क्योंकि फ्रेंड्स अभ्यर्थी जो होता है उसके नजरे से अगर कोई सोचे तो ये सारी चीजें सामने आएगी ही नहीं। हालांकि मैं मानता हूं कि अगर पेपर बड़े स्तर पर लीक हुआ है फ्रेंड्स, अगर इसमें 1,000, 2,000, 3,000 तक पेपर पहुंचा है आउट हो करके, तो मैं भी इस चीज का समर्थन करूंगा कि इसमें सीबीआई जांच हो करके इस पे अच्छे से कार्रवाई की जाए, ताकि रीट ही नहीं फ्रेंड्स अभी आने वाली हम सबकी अपेक्षाएं रहती है कि सेकंड ग्रेड की जो भर्ती है उसमें कहीं ना कहीं ऐसी धांधली फिर से नजर नहीं आए, वापस से मेहनत करें सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में, और फिर ये सारी चीज़ें निकल करके आए कि इसको भी रद्द करो, तो क्या फ़ायदा फिर उस तैयारी करने का, बहुत सारे पैसे लगते हैं फ्रेंड्स, फीस लगती है, कोचिंग फीस लगती है, तो ये सारी चीज़ें ना हो तो इसके लिए अच्छी कार्यवाही हो, एक अच्छी कमेटी बनाई जाए जो इन सारी चीज़ों को रोक सके फ्रेंड्स। लेकिन अगर हम रीट की बात करें तो रीट का जो भी रद्द कराने का फैसला चल रहा है फ्रेंड्स, ये विपक्ष कर रहा है, इसमें स्टूडेंट का बिल्कुल भी हाथ नहीं है। तो आप राजनेताओं और ये जो मीडिया है ये भी बहुत ही ऐसी खबरें छापते हैं जिससे अभ्यर्थियों को लगता है कि ये बहुत ही बड़ा मुद्दा हो गया है, ये बड़ा मुद्दा फ्रेंड्स मीडिया ने और विपक्ष ने बनाया हुआ है। तो अभी सीबीआई की जांच होगी या नहीं होगी, अभी एसओजी जांच कर रही है फ्रेंड्स, सरकार ने उसको पूरा हैंड फ्री कर रखा है, वो अच्छे से जांच करेगी, छोटे से छोटे को लेकर के बड़ा मंत्री नेता जो भी हो उनको गिरफ्तारी होगी अगर वो लिप्त पाए जाते हैं फ्रेंड्स। तो आप इन सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादा मत सोचिए। हालांकि मैं मानता हूँ कि जिसने अच्छा स्कोर किया है उसको टेंशन होना लाजमी है फ्रेंड्स, क्योंकि उसको इन सारी चीज़ों की उम्मीदें नहीं थी जो अभी हो रही है। तो फ्रेंड्स ये सब अब
अब SOG के हाथ में, हाई कोर्ट के हाथ में और खास करके मुख्यमंत्री के हाथ में है कि पेपर रद्द होगा या नहीं होगा। SOG एक अच्छा काम कर रही है फ्रेंड्स, उन्होंने कह दिया है फ्रेंड्स कि 2 या 3 दिन में जो भी पूरा मामला है उसके पीछे की सारी कार्यवाही पूरी हो जाएगी और जो भी नतीजा सामने आएगा वो आपको बता दिया जाएगा। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है फ्रेंड्स तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।